तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ललित एफएफ गेमिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम खेलेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड, और इस गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इस पर कोशिश करेंगे 20 किल्स करने का। और अपन उधर चुके हैं पीक पर, और पीक बहुत खादर प्लेस है, आपको पता होगा। जितने भी प्रो प्लेयर होते हैं फ्री फायर के, वो सब पीक ही प्रेफर करते हैं उतरने के लिए। और सामने की तरफ एक बंदा जिसको मैंने भरता बना दिया और उसका किल चोरी कर लिया, भरता नहीं बनाया। एक किल इसी के साथ साथ अपना हो चुका है, और दूसरे किल की तलाश में मैं घूम रहा था और सामने की तरफ एक बंदा दिखा। सॉरी, ये मेरा थर्ड किल हो चुका है दोस्तों। और सामने की तरफ मेरे को कोई गन की तलाश है क्योंकि ये फार्मर्स को मैं ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर नहीं पाऊँगा, और ये डबल वेक्टर भी उतनी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मेरे को मिल जाती है M14, वो भी ट्रिपल चिप के साथ। और यहाँ से MP40 को भी अपन कैरी कर लेते हैं, क्योंकि MP40 जब होती है ना तो बंदे की पोटी निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। और इसी के साथ साथ 3 किल, और सामने की तरफ एक बंदा जो कि ऐसा भाग के उसने ग्लूवर लगाया। इसकी हरकतों से मैं समझ गया कि यह डबल वेक्टर वाला कैंपर है, लेकिन ये कैंपर नहीं भाई, महा कैंपर। ये इतना सेंटिनो यूज़ कर रहा है कि भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ओ भाई, कहाँ गायब हो गया भाई? ओ भाई, सब भाग रहा है, इसको तो बताना पड़ेगा। और इतना सारा हेड मारने के बाद भी बंदा जिंदा है, लगता है कुछ तो इसने स्पेशल पावर यूज़ करी है। और यहाँ पर इसने अपने आप को पैक कर लिया, लेकिन मैं बहुत हरामी इंसान, इसलिए मैं ग्लूवल तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। और यहाँ से ये बंदा भाग जाता है। इसका पीछा मैंने इतना किया ना भाई, इसको तो मैं कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ, क्योंकि ये 4 किल में जो मैंने सबर रखा है ना दोस्तों, इतना मैंने कभी सबर नहीं किया। ए तेरी भैंस की, बच गया साला। अभी दोस्तों इसको ऐसा टोचन दूंगा ना, ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखेगा। और यहाँ पर ओ भाई साहब, इसके पास तो इंजेक्शन है। चलो अभी बताते हैं बच्चू, हट दोस्तों। इसी के साथ साथ अपने हो चुका है 4 किल, और इसमें आ चुका है काफ़ी ज़्यादा मज़ा। और 5वें किल की तलाश में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर दोस्तों काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद फैक्ट्री में मेरे को कुछ बंदे दिख जाते हैं जिसको मैं जाना चाहता हूँ मारने। तो यहाँ पर एक गाड़ी वाला मेरे को ऐसा ठोकता है ना, फिर मैंने इसको ऐसा बजाया ना दोस्तों कि आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये दिमित्री वाला कैंपर था जो कि बहुत खतरनाक था, जिससे मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने इसके घुसा डाला MP40 का झटका, और बंदा हो गया बेहोश। और सामने की तरफ से एक बबू आम पर फायर करते हुए, लेकिन उसको भी मैं टोचन देने में देरी नहीं करूँगा दोस्तों। और यहाँ पर दिख चुका है बंदा मेरे को, जिसको मैंने इतना गंदा मारा, लेकिन इसने अपने ग्लूवल का इस्तेमाल करके मेरे से वो थोड़ी देर के लिए तो बच गया, पर यह समय ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और इसी के साथ साथ मैंने इसका सोनिया एक्टिवेट करके पूरा फिनिश कर दिया। और यहाँ पर हो चुके हैं अपने पूरे के पूरे 6 किल। वेट 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 दोस्तों, अभी तो अपन 6 किल कर चुके हैं, अभी हमको 14 किल्स और करने हैं, तब हमारा टारगेट पूरा होगा। और दोस्तों इसी के उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हुआ क्लॉक टावर की ओर पर, और मेरे को कुछ बंदों के फुट स्टेप नहीं गाइस, इनकी लोकेशन मेरे को पता चल जाती है। और आपको तो पता ही होगा, जब आरके ललित एफएफ को किसी लोकेशन पता चलती है तो वो बंदा फिर हमारी नज़रों से बच नहीं पाता दोस्तों। और इसी को अपन टोचन देने की तलाश में हैं, लेकिन वो सामने दिख ही नहीं रहा दोस्तों, पता नहीं। ओ भाई साहब, ये कौन है वे? तो चलो बॉस तबाही भाई को अपन ने निपटा दिया, और अब देखते हैं आगे कौन है। और देखो दोस्तों, बॉस तबाही भाई ने मेरे को जैसे लाइक करा ना, वैसे भी आप भी वीडियो को लाइक दबा दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी दबा देना, इससे आपका एक भी रुपया, एक भी कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसी के साथ साथ 7 किल करने के बाद 8वें किल की तलाश में मैं अपनी गाड़ी लेके आ जाता हूँ नीचे की साइड में, जहाँ पर मेरे को बंदों की भरमार दिख जाती है। और मैं उतर के फिर एक बंदे को इसको डाउन कर देता हूँ, लेकिन मेरा ये ग्लूवल पता नहीं क्यों नहीं लगा। इसको अपन कर देते हैं फिनिश। इसी के साथ साथ 8 किल कंप्लीट, और सामने की तरफ और भी बंदे हैं, इनको भी अपन मजा चखाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है कि भाई मैं अब जाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अपने के पास भी है पावर, तो अपन अपने पावर का यूज़ करके एक बंदे को डाउन कर देते हैं, जो कि मेरे को लग रहा था बहुत खतरनाक प्लेयर था।
और यहाँ पर नीचे की साइड में भी एक बंदा भागता हुआ, उसको अपन ने ओपी बॉडी शॉट मार के डाउन कर दिया। इसको अपन फिनिश ले लेते हैं। इसी के साथ साथ 9 किल कंप्लीट। और यहाँ पर एक जो बंदा अपन ने डाउन किया है उसको भी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि भाई किल चोर की यहाँ पर कमी नहीं है। अब इसी के साथ साथ 10 किल और करने हैं मेरे को, और बंदे बचे हैं 19 बंदे अलाइव हैं अभी। क्या लगता है दोस्तों, हम अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे? और एक बंदे को और मैंने डाउन कर दिया, इसको मेरे को लगता है फिनिश ले लेना चाहिए। पर थोड़ा वेट करते हैं, आसपास कोई दिख जाए तो उसको भी डोचन देने में फिर मज़ा आ जाएगा। और नीचे की तरफ से दोस्तों एक बंदा मेरे को फायर करके, ओ भाई क्या खतरनाक हेडशॉट मारा, पर भी मरा नहीं ये। लगता है मेरा किल कोई चुरा लिया, लेकिन हमने भी अपने किल को कर लिया फिनिश। और सामने की तरफ एक और बंदा जिसने ग्लू वॉल लगाया, और ये मेरा स्काइलर अटक गया, लेकिन मेरा स्काइलर वेस्ट हो गया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ख़तरनाक हेडशॉट के साथ मेरा हो चुका है 12 किल। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे तो। 13 किल के बाद लगता है कि अब इस गेम को भुया भी हम ही को करना चाहिए, क्योंकि भाई कतई मज़ा आ गया है MP40 चलाकर आज, और M14 चलाकर। और सामने की तरफ बंदा बंदे को रिवाइव दे रहा है अपने, ये क्या भाई मेरे सामने रिवाइव है, मत दिया करो। इसीलिए मैंने फेंक दिया इससे बम प्ले, और बंदा हो चुका है ख़त्म। और इसी के साथ साथ 14 किल, और सामने की तरफ एक और बंदा आ चुका है मेरे किल को चुराने के लिए, लेकिन उसकी ये साजिश फेल हो चुकी है और वो भी मौत के घाट उतर चुका है दोस्तों। इसी के साथ साथ अपन ने 14 किल कर लिया, और ऊपर की तरफ भी एक बंदा आ गया जिसको भाई, ओ भाई इसने तो करेक्टर स्किल चालू कर दिया, लेकिन भाई हमारी नज़रों से कोई बच नहीं पाएगा। विशाल को हमने मार दिया, और सामने की तरफ एक बंदा होशियारी से लूट रहा था, लेकिन उसको पता नहीं है आर के ललित एफ घूम रहा है आसपास। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपने 15 और ये 16 किल कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर 4 किल बस मेरे को चाहिए दोस्तों, मेरा 20 किल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 20 किल के अलावा भी अपन और किल करने की ट्राई करेंगे दोस्तों। और ऊपर देख रहे हो आरके ललित एफ का खौफ, बंदा नीचे आने में ही डर रहा है। 17वें किल की तलाश में मैं काफ़ी टाइम तक वेट करता हूँ, और उसके बाद आ जाता हूँ मैं इधर। ऊपर की साइड में एक दो बंदे भाग रहे थे, जिनका मैं उसका मॉन्स्टर ट्रक ब्लास्ट कर देता हूँ, और बंदे को मजबूरन नीचे उतरने के लिए मजबूर कर देता हूँ, और फिर इसको मैं आप मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा भाग जाता है। लेकिन कब तक भागोगे बबुआ? अरे भाई लगता है मेरे को टोचन दे देगा वो। चलो भाई इसी के साथ साथ 17 किल्स कम्प्लीट। अब मैं अपनी मेडिकेट फुल करूँगा पहले, क्योंकि भाई नज़र हटी दुर्घटना घटी। और सामने की तरफ एक जीप वाला बंदा जो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी टोचन देना पड़ेगा दोस्तों। और ऊपर वाला बंदा दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और यहाँ पर एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया, 18 किल्स मेरे डाउन हैं। और यहाँ पर एक बंदा उसको रिवाइव करने जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि साइलेंसर लगा के मैं पीछे से फायर कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने 19 किल्स कम्प्लीट हो चुके हैं, और केवल 9 बंदे बचे हैं दोस्तों। देखते हैं भुया होता है कि नहीं, भुया तो अपन करके ही रहेंगे दोस्तों, टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो। और सामने की तरफ एक बंदा 2-3 दिख रहे हैं मेरे को, क्या लगता है दोस्तों मैं उनको मार पाऊंगा कि नहीं? और ऊपर वाला बंदा भी पता नहीं इसको क्या खुजली हुई है, नीचे कूद गया, और अपना सोनिया खुद ही उसने एक्टिवेट कर लिया। लेकिन मैं इसको एक और मौका दूंगा, और उस मौके में मैं खुद ही चौका मार लूंगा दोस्तों। और यहाँ पर 20 किल्स हो चुके हैं अपने इसी के साथ साथ, जो कि मेरा टारगेट था। और यहाँ पर एक दो बंदे नीचे की साइड में भागे जा रहे हैं अपने दोस्तों को रिवाइव देने के चक्कर में, लेकिन मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, इसीलिए मैंने बेचारे का ग्लू वॉल तोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी भाग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लो। और सामने की तरफ एक बंदा जो कि मेरी लूट्स लूट रहा है, एक बंदा सामने अपन ने डाउन कर दिया, और छत वाले बंदे को भी मारने की कोशिश करेंगे। 2-3 डम वाले फेंक दिए दोस्तों मैंने ऊपर, और ये क्या बंदा मेरे पास फुल एनर्जी से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मेरी हेल्थ भी कम हो चुकी है, और इसी के साथ साथ इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। लेकिन ये बंदा गया तो गया कहाँ दोस्तों, यहाँ से ये बंदा पता नहीं भूत की तरह गायब हो जाता है। तो उसको इग्नोर मार के मैं थोड़ा जैसे ही ऊपर आता हूँ ना, वैसे ही इसकी मेरे को साजिश के बारे में पता चल जाता है। वो तो अच्छा हुआ मैंने पीछे देख के इसको हेडशॉट दे दिया। तो इसी के साथ साथ अपन ने कर लिए 22 किल, और लास्ट 2 बंदों ने ऐसा मेरे को घुमाया ना, फिर मैं दोस्तों काफ़ी टाइम तक घूम घाम के इधर आता हूँ, और सामने की तरफ एक बंदा दिख जाता है मुझको,
पता नहीं ये दोनों एक ही टीममेट थे कि क्या है भाई। दोस्तों मैंने बम फेंका और वो डाउन बंदे को फिनिश ले लिया। इसी के साथ साथ 23 किल्स कंप्लीट हो गए अपने और एक बंदा लास्ट बचा हुआ, उसको देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैं फ्लैशबैक का यूज़ करता हूँ लेकिन मेरे फ्लैशबैक का उस बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता, तो मैं पीछे आ जाता हूँ क्योंकि भाई कभी कभी पीछे भी आना पड़ता है, हमेशा आगे के चक्कर में कहीं वन टैप ना पड़ जाए, इसीलिए मैं अपनी भलाई के लिए पीछे आ जाता हूँ और इस बंदे को काफ़ी मारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये बंदा भी बहुत ही ज़्यादा चालू था और यहाँ पर ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा चालू हो रहा है, लेकिन मैं अभी उसको ऐसा वन टैप मारूंगा ना कि उसकी चालूपन सब निकला जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक बंदा बचा है जिसको मैं मारने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, अभी ऐसा वन टैप दूंगा ना। चलो गाइस इसी के साथ साथ हो चुका है अपना भुइया और अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फुल गेम्स ले। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।